नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सीमा की रक्षा और सुरक्षा के लिए भारतीय जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। दुश्मनों पर उनकी नजर टिकी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एडवांसमेंट की जरूरत है और एडवांसमेंट को चार चांद लगा रहे हैं भारत के पास मौजूद ड्रोन्स। लेकिन इस बीच भारतीय सेना को एकदम तुरंत अंदाज में चाहिए 2000 ड्रोन, जिसके लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसे लेकर कॉम्पिटिशन मार्केट में जबरदस्त है। इसे लेकर आगे हम आपको जानकारियां देंगे कि आखिर भारतीय सेना को 2000 ड्रोन्स की जरूरत क्यों पड़ी और इसे लेकर मार्केट का हाल क्या है, वो भी तब जब भारत का फोकस इंडिजीनियस वेपन पर है। मेक इन इंडिया के तहत भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत अपने ही देश में हथियार बना रहा है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है ड्रोन। भारत को ड्रोन हब बनाना है और ऐसे में भारतीय सेना को ड्रोन्स की जरूरत भी है, तो इससे अच्छा मौका भारत के लिए हो नहीं सकता। लिहाजा भारतीय सेना की तरफ से 2000 ड्रोन्स की मांग या ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसे लेकर मार्केट में खासतौर पर ड्रोन इंडस्ट्री में धूम मची है। फॉरवर्ड पोस्ट और बाकी जरूरी पोस्ट पर निगरानी के लिए भारतीय सेना को 2000 ड्रोन्स की जरूरत है और सर्विलांस के लिए अब ये ऑर्डर दे दिया गया है। इसे लेकर मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जोरदार कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना की तरफ से ये जो ऑर्डर है वो जल्दी में मांगा गया है, यानी इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड पर तैनाती के लिए, यानी LAC पर तैनाती के लिए इसकी आवश्यकता है। हाई एल्टीट्यूड खासतौर पर LAC के दुर्गम इलाकों में इन ड्रोन्स की तैनाती की जाएगी। हाल ही में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ जिस तरीके का विवाद हुआ, जिस तरीके का गतिरोध हुआ, उसके बाद भारतीय सेना को ये ड्रोन्स तुरंत चाहिए। इसके लिए सप्लाई जल्दी करनी होगी और इसे लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बीच में होड़ मची है। अगर LAC पर इनकी तैनाती का जिक्र करें तो इन्हें अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा और साथ ही साथ लद्दाख में भी इसकी तैनाती की जाएगी, ताकि दुश्मन पर निगरानी की जा सके। ये पहली बार नहीं है जब सेना की तरफ से इस तरीके की मांग की गई हो। इससे पहले भी भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के लॉजिस्टिकल सपोर्ट की मांग की गई है। एडवांस ड्रोन की मांग क्योंकि की गई है, तो इसमें वजन से लेकर इसकी क्षमता तक हर चीज पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसे में जब मुश्किल हालात हैं और तनाव की स्थिति है तो ड्रोन्स की तैनाती अति आवश्यक भी हो जाती है। इससे पहले भी भारत के साथ $20 मिलियन की जो डील है वो आइडिया फोर्ज कर चुकी है और इसके साथ ही उम्मीद ये है कि आइडिया फोर्ज के साथ ही बाकी की डील्स भी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि रेस में सबसे आगे है। पिछले ड्रोन्स जो बनाए गए उसमें 70% ड्रोन भारत में ही बनाए गए हैं और बाकी के 30% में तकनीक के लिहाज से बाहरी मदद ली गई है। लेकिन भारत की क्योंकि कोशिश है कि भारत में जो ड्रोन बने वो पूरी तरीके से इंडिजीनियस हो और सिर्फ इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इस पर भी भारत सरकार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और भारतीय सेना का खास फोकस है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।